राजकोट महानगरपालिका नवा होदेदारों निमणूक कर राजकोट मेयर तरीके नैनाबेन पेठरिया की वरणी थी जारी डेप्यूटी मेयर तरीके नरेन्द्रसिंह जाडेजा नाम जाहिर कर जणावी दिए कि राजकोट नवा मेयर तरीके छेल्ला 15 दिवस चार नामों चर्चा में था जेमा दर्शनाबेन पंड्या ज्योत्साबेन टीलाड़ा नैनाबेन पेठरिया भारतीबेन परसाणा सहित नामों समावेश थाय छे। भावनगर महानगरपालिका की 2.5 वर्ष की टर्म पूरी थता आज मेयर डेप्यूटी मेयर स्टेडिंग कमिटी चेरमेन सहित होदेदारों नामों की जाहरात कर भावनगर नवा मेयर तरीके भरत बारड़ और डेप्यूटी मेयर तरीके मोना पारेख नाम पर मोहर लागी तेमज भावनगर महानगरपालिका शासक पक्ष नेता तरीके किशोर गुरुमुख खाणी निमणूक कर जारी कि दंडक तरीके उषाबेन बधिका नाम जाहिर थयुं साथ स्टेडिंग कमिटी चेरमेन राजू राबड़िया बनाया। जामनगर महानगरपालिका की 2.5 वर्ष की टर्म पूरी थता आज मेयर डेप्यूटी मेयर स्टेडिंग कमिटी चेरमेन सहित होदेदारों नामों की जाहरात थी जमा जामनगर नवा मेयर तरीके विनोद खिमसूरिया डेप्यूटी मेयर तरीके कृष्णाबेन सोढ़ा ना नाम की जाहरात थी तो स्टेडिंग कमिटी चेरमेन तरीके आशीष जोशी ना नाम पर मोहर लागी तेमज जामनगर दंडक तरीके केतनभाई नाखवानी वरणी करवामां आवी हती। जूनागढ़ जिला पंचायत प्रमुख नाम की जाहरात कर प्रमुख तरीके हरेश ठुमर की वरणी कर तो उप्रमुख तरीके मुकेश कणसागरा की पसंदगी कर। बनासकांठा डीसा नगरपालिका में प्रमुख उप्रमुख की चूंटनी योजाई जमा प्रमुख तरीके संगीताबेन प्रकाशभाई दवे की बिनहरीफ वरणी थी उप्रमुख तरीके शैलेषभाई रायगोर की वरणी कर आ चूंटनी नायब कलेक्टर अध्यक्षता में योजाई थी। भाबर नगरपालिका प्रमुख और उप्रमुख पद की प्रथम 2.5 वर्ष की टर्म पूरी थता नवा प्रमुख उप्रमुख की चूंटनी योजाई जमा प्रमुख तरीके साकरबा बालूजा राठौड़ उप्रमुख तरीके गीताबेन लीलाजी भिखाणी तेमज कारोबारी चेरमेन कनुभाई गणपतभाई ठक्कर की बहुमती थी वरणी करवामां आवी हती। सुरेन्द्रनगर जिला पंचायत प्रमुख और उप्रमुख की जाहरात कर जिला पंचायत प्रमुख पदे हरेकृष्ण पटेल उप्रमुख पदे वसंतबेन मजेठिया की वरणी कर 34 सभ्यों पैकी 29 सभ्यों की बाहेंदरी बाद प्रमुख ने निमणूक कराई जिला भाजप प्रमुखे प्रदेश में कवर मोकली नाम जाहिर कराया था। सावली तालुका नगरपालिका प्रमुख और उप्रमुख नामों जाहिर कर नगरपालिका प्रमुख तरीके हर्ष पटेल उप्रमुख तरीके चेतन दवे की निमणूक कर तो नगरजनों ने ढोल नगाड़ा साथ प्रमुख ने उप्रमुख ने आवकार्या हता। दभोई नगरपालिका प्रमुख उप्रमुख ने नियुक्ति करवामां लांबा समय थी राह जुवाई अटकड़ अंत आव्यो हतो। 2.5 वर्ष पूर्ण थता दभोई नगरपालिका ने नवा प्रमुख उप्रमुख ने होदेदारों मळ्या माटे दभोई सेवा सदन खाते नायब कलेक्टर की अध्यक्षता में समग्र चूंटनी प्रक्रिया योजाई पक्षना मेन्डेट अनुसार बीरेन शांतिलाल शाह नवा प्रमुख तथा उप्रमुख मनोज रमेशभाई पटेल बन्या छे। अमदावाद जिला पंचायत में टर्म पूर्ण थता नवा प्रमुख माटे फॉर्म भराशे नवा प्रमुख पद माटे क्षत्रिय अने पाटीदार चेहरा ने लई खेंचताण चाली रही छे। कंचनबा वाघेला हिरल पटेल गौरी पटेल अने लीलाबा सोलंकी में प्रमुख पद माटे प्रबल दावेदार मानवामां आवे छे। पाटीदार ने प्रमुख बनावामां आवे तो कारोबारी चेरमेन पदे कोड़ी पटेल के क्षत्रिय नेता ने निमणूक कराशे अने जो क्षत्रिय प्रमुख बने तो पाटीदार के कोड़ी पटेल ने कारोबारी चेरमेन पदे निमणूक कराशे। गीर सोमनाथ जिला में अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश मोर्चा उपाध्यक्ष जीतूभाई मणवर अध्यक्ष स्थाने कारोबारी की बैठक योजाई जमा गीर सोमनाथ जिला महामंत्री विशाल वोरा जिला प्रभारी अरविंद नेवाड़ा तेमज पोरबंदर जिला प्रभारी गिरीश भजकोतर तेमज कारोबारी सदस्यों हाजर रहा था। आवनारी लोकसभा चूंटणी अंतर्गत महत्वनी चर्चाओ करवामां आवी हती। गीर सोमनाथ ने वीरावल पाटण संयुक्त नगरपालिका नवा प्रमुख उप्रमुख की वरणी थशे जेमा प्रमुख पदे महिला की पसंदगी थाय तेवी शक्यताओ छे जेमा लोहाणा समाज ब्रह्म समाज माथी प्रमुख पद की पसंदगी थवानी शक्यताओ सेवाई रही छे। अमदावाद में विदेश थी आवेला दंपतीना तोड़काण विवाद में तपास अधिकारी जिला ग्राम्य कोर्ट में पोतानो रिपोर्ट सौंप्यो। आ रिपोर्ट में आरोपी पुलिसकर्मीओ सामेना गुनामां नवी कलमनो उमेरो करवा अधिकारीए नोंध्यु हतुं। अधिकारी ने तपास दरमियान भारतीय दंड संहितानी कलम 341 हेठळ गुनो बनतो होवानुं जणाववामां आव्युं। फरज परना पुलिसकर्मीओए गैरकायदेसर रीते नागरिकोने रोक्या होवाना पुरावो एकत्र करवामां आव्या बाद रिपोर्टनी सोंपणी करवामां आवी हती।
अरवली जिला में एक शिक्षिका विद्यार्थी बाळकों ने अनोखा अंदाज में भणावता जोवा मळ्या। धनसुराना केनपुर कंपा में आवेली प्राथमिक शाळाना शिक्षिका भावनाबेन पटेल तेमना विद्यार्थियों ने आवकारी शिक्षणना पाठ भणावता नजरे पड्या हता। तेमज दर बुधवारे शाळाना दरेक विद्यार्थी भावनाबेन ने मम्मी कही बोलावे छे। जैन धर्मना महापर्व पर्वाधिराज पर्युषणनो आजथी प्रारंभ थयो। पुण्यनु पोषण पापनु शोषण करतु आ पर्वाण दिवस होय छे। पर्युषण संस्कृत भाषानो संयुक्त शब्द छे। पर्युषण शब्दमां परी एटले चारे बाजू सारी रीते, उषण एटले आराधना अने आत्मशुद्धि माटे एक साथे रहेवू। पर्युषणमां जैनो जप तप शौशत करे छे। आठे दिवस अहिंसानु चुस्तपणे पालन करवामां आवे छे। पर्युषणमां मोटी संख्यामां जैनो सवार सात प्रतिक्रमण करता होय छे। गुजरात की जीवादोरी गणाता सरदार सरोवर डेम में 11,000 रूपया की वीजली पैदा करी। जो सरदार सरोवर डेम विषे बात करवामां आवे तो हाल डेम की सपाटी 134 मीटरे पहुंची और सरदार सरोवर नर्मदा डेम 85% उपर पानी थी भरेलो छे। जो कि आ डेम में वीज मथको चलावामां आवे छे। सूरत शहर में सचिन विस्तार में घर में सूतेला परिवार पर सीलिंग तूटी पड़ता एक वर्ष बाड़क मौत निपजू। आ घटना में 2.5 वर्ष की बाड़की सहित माता पिता इजाग्रस्त थे। परप्रांतीय परिवार 2 महीना थी सचिनजी आईडीसी रामेश्वर कॉलोनी में 3 माड़ी बिल्डिंग में रहते हो। मासूम बाड़कना मौत पगले परिवार पर आप तूटी पड़ू। आ घटना अंगे सचिनजी आईडीसी पुलिस वधु कार्यवाही हाथ धरी छे। केन्द्रीय गृहप्रधान अमित शाह सोमवार जेपी नड्डा निवासस्थाने मध्यप्रदेश कोर ग्रुप की बैठक में हाजरी आपी थी। आ पहला 17 ऑगस्ट रोज भाजपे मध्यप्रदेश माटे तेना उम्मेदवारों की प्रथम याद जाहिर करी हती। मध्यप्रदेश की 230 बैठकों माटे भाजपे 39 उम्मेदवारों नाम जाहिर कर्या। पार्टीए तेना इंदौर जिला प्रमुख राजेश सोनकर ने देवास जिला की सोनकच्छ बैठक पर चूंटणी मैदान उतार्या हता। जो कि सोनकच्छ बैठक पर हाल कांग्रेस दिग्गज नेता सज्जनसिंह वर्मा वर्तमान धारासभ्य छे। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण ने लई मुंबई में सर्वपक्षीय बैठक योजाई हती। जे बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहूं कि मराठाओं ने आरक्षण आपवाना प्रयत्नो चालू छे। कायदानी मर्यादा में रहीने अनामत आपवानो प्रयास छे। कारण के कोई अनामत घटाडीने वधु अनामत आपवामां आवशे नहीं। सर्वपक्षीय बैठक में अनामत मुद्दे एक समिति की रचना करवानी जाहेरात करी हती। निवृत्त जस्टिस शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति की रचना करवामां आवशे जे अनामत मुद्दा पर अभ्यास करशे। शिंदे अनामत मुद्दे गंभीरता दाखवी अन्य समाज ने अन्याय न थाय अने अन्य समाजों ने आंदोलन मार्ग न अपनावा अपील करी हती। विपक्षी गठबंधन इंडियाना बे सहयोगी वच्चे खेंचतान चालू छे। कांग्रेसना नेता अधीर रंजन चौधरी डिनर में मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी की हाजरी पर सवाल उठाव्या हता। G20 ना वड़ा माटे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साथे डिनर नु आयोजन करवामां आव्युं हतुं पण तेने लईने राजकीय चर्चाओ शुरू थई छे। त्यां कांग्रेसना नेता अधीर रंजन चौधरीए ममता बेनर्जी ने पूछ्यू कि शू आ डिनर में हाजरी अपाथी नरेन्द्र मोदी सरकार सामे तेमनु वलण नवू नहीं पड़े। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ना आ सवाल पर टीएमसीए वर्तो जवाब आपता कहूं कि ममता बेनर्जी विपक्षी चूंटणीना मोटा समर्थक छे। कांग्रेस नेताए तेमने सरकारी प्रोटोकॉल विशे शीखवानी जरूर नहीं। जयपुर में भाजपनी परिवर्तन संकल्प यात्रा योजाई थी। जो यात्रा बाद केन्द्रीय मंत्री और निवृत्त रोड हाईवे राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह कहूं हतु कि पाकिस्तान सहित काश्मीर आपोआप भारत में भड़ी जशे पण आना माटे तमारे थोड़ी राह जोवी पड़शे। ज्यारे वीके सिंह ने पूछवामां आव्युं के लोकोए पीओके ने भारत में भेळवी देवानी मांग करी छे त्यारे तेओए थोड़ी राह जोवानुं कही पाकिस्तान आपोआप भारत में भड़ी जवानी खातरी आपी हती। साथे वीके सिंहे G20 समिट की सफलता पर भारत की प्रशंसा करी हती। तेमज कांग्रेस सरकारना शासन में कायदो अने व्यवस्थानी खराब स्थिति अंगे टीका करी हती। तेमणे कहूं कि कांग्रेस आ वचनों थी राजस्थान लोको संपूर्ण परेशान छे जेथी भाजपे लोकोनी वच्चे जईने सांभळवानो परिवर्तन संकल्प यात्रा काढी हती। उद्धव ठाकरे समूह शिवसेना नेता संजय राउते निवृत्त जनरल वीके सिंह निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता जणाव्युं कि अमे तमाम लोकोए अखंड भारतनुं सपन जोयुं छे। भारते हमेशा कहूं छे कि पीओके तेनुं छे। वीके सिंह ज्यारे सेनामां कार्यरत हता त्यारे तेमणे आ वात करवानी जरूर हती। पीओके ने परत लेवा माटे कोई पहल करवामां आवशे तो अमे तेमनुं समर्थन करीशुं। जो कि आ पहला सरकारे मणिपुरने शांत करवानी जरूर नथी। राहुल गांधीना दावा प्रमाणे लद्दाखमां चीने कितेक जमीन कब्जामां लीधी छे। अरुणाचल प्रदेश में पण चीनी ओवरचंडाई सामे आवी छे। भारते आ विवाद ने समाप्त करवानी जरूर छे त्यारे त्यारबाद पीओके आपोआप भारत पासे आवी जशे।
निवृत्त जनरल वीके सिंह पीओके पर आपेला निवेदन पर प्रतिक्रिया आपता दिल्ली मंत्री सौरभ भारद्वाजे जणाव्युं कि मने लागे छे कि वीके सिंह चीन मुद्दा पर लोकोनुं ध्यान भटकाववा मांगे छे। आम आदमी पार्टी नेताए दावो कर्यो कि चीने केटलाक विस्तार में फैलायेली भारत की जमीन पर कब्जो कर्यो छे। लद्दाख में आ प्रकार समाचार सामे आव्या छे। लद्दाख एसपी नो रिपोर्ट है कि 66 पैकी 26 पोजिशन के ज्या भारतीय सेना पहला जती हती त्या हवे जई शकती नथी। वीके सिंह पहला मुद्दे बात करवानी जरूर छे। अयोध्या में राम जन्मभूमि की जोरोशोरो थी तैयारी चाली रही है। आगामी वर्षे जान्युआरी में भगवान रामना मंदिर नु उद्घाटन थवानी संभावना है, त्यारे तेनी सुरक्षा माटे सरकारे महत्वनो निर्णय लीधो छे। रामलला अभिषेक समारोह माटे सुरक्षा व्यवस्था की अंदाजित ब्लू प्रिंट तैयार है, जमा 5 लाख थी वधु श्रद्धालुओ आवानो अंदाज मुकवामां आव्यो छे। समारोह दरमियान राम जन्मभूमि संकुल में पीएम मोदी उपरांत अन्य वीआईपी और लगभग 10,000 लोग हाजर रहेवानी शक्यता छे, जेथी तेओनी सुरक्षा ने ध्यान राखी स्पेशल सुरक्षा दलना 80 जवानों एक जूथ अयोध्या पहुंचू छे। जो कि हाल राम जन्मभूमि की सुरक्षा में सीआरपीएफ और पीएससी ने सौंपवामां आवी छे, जे एसएसएफ 80 जवानों ने 12 से 16 सप्टेम्बर सुधी ट्रेनिंग आपशे। देश में सनातन धर्म विरुद्ध एक पछी एक निवेदनों सामे आवी रह्या छे, तरे केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावते सनातन धर्म विरुद्ध निवेदन आपनारों पर मोटू निवेदन आप्युं। शेखावते कह्युं कि जे कोई सनातन धर्म ने विरुद्ध बोलशे अथवा तेनो तिरस्कार करशे तो ए चलावी लेवाशे नहीं। जो कि उदयनिधि स्टालिने सनातन धर्म की तुलना डेंग्यू साथे करी हती। सनातन धर्म विषय विवादास्पद टिप्पणी कराता गजेन्द्रसिंह शेखावत नाराज थया हता। केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियाए जणाव्युं कि केटलाक एवा राजकीय पक्षो छे कि जेमने भारत वैश्विक मंच पर चमके छे तो तेमने तकलीफ थाय छे, तेवो अस्वस्थ थई जाय छे। केटलाक लोको पोतानी जातने सुधारवाने बदले बीजाने नीचू दर्शावानी मानसिकता दर्शावे छे। भारते पीएम मोदीना नेतृत्वमां सफळतापूर्वक G20 बेठकनुं आयोजन कर्युं। वैश्विक स्तरना नेताओए भारत दर्शन कर्युं अने तेनी आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति जोई। हल्की मानसिकता धरावता केटलाक पक्षों ने G20 की सफलता की ईर्षा थाय छे अने माटे तेवो विदेशी धरती पर तेनी टीका करे छे। पश्चिम बंगाल भाजपना सचिव अग्निमित्रा पौले जणाव्युं कि भारत में मोदी सरकारनुं शासन छे, कोईपण मुख्यमंत्री राजनेता के अभिनेता लोको साथे छेतरपिंडी आचरशे तो तेने बक्षवामां नहीं आवे। भाजपना नेताए दावो कर्यो कि केटलाक निवृत्त लोकोए फ्लेट मेळवा माटे तेमना जीवननी बचत नुसरत जहाने आपी हती अने बदलामां तेमने फ्लेट के तेमना पैसा पण परत मळ्या न हता। आ मामलानी तपास करवामां आवी रही छे, जो तेनी विरुद्ध पुरावा मळशे तो नुसरत जहां सामे कार्यवाही करवामां आवी शके छे।